माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में पुल पुलिया एनीकट शासकीय भवन सड़क निर्माण कार्यों में सरकार से आई राशि का जमकर बंदरवाट होता है, जिसका नतीजा ये है कि निर्माण कार्य साल भर भी नहीं चलता और धराशायी हो जाता है और फिर रिपेयरिंग के नाम पर हर साल लाखों का खेल किया जाता है। राजनांदगांव के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में 3,75,00,000 की लागत से बने घटिया एनीकट में हर साल रिपेयरिंग के नाम से लाखों रुपए निकाले जाते हैं। इस वर्ष भी रिपेयरिंग के लिए हुए हैं 50,00,000 रुपए स्वीकृत, मगर काम शुरू नहीं हो पाया है। बारिश शुरू हो गई है मगर रिपेयरिंग का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। पैसे की इस बंदरबांट में ये लोग इसलिए भी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि नक्सलियों के खौफ के चलते कोई भी अधिकारी कार्य को देखने ही नहीं आता है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में पुल पुलिया एनीकट शासकीय भवन सड़क निर्माण के कामों में शासकीय राशि की इस कदर बंदरबांट की जाती है कि उसके चलते घटिया काम किया जाता है। भ्रष्टाचार के चलते साल भर भी निर्माण नहीं टिक पाता और फिर शुरू होता है रिपेयरिंग के नाम पर हर साल लाखों रुपयों का खेल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।